हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका केबीसी में। और आज का हमारा वीडियो है फोटोसिंथेसिस सीरीज भाग 5, जो प्राकृतिक अभिक्रिया का दूसरा भाग है, जिसमें हम इसको पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम जो सबसे बल्क की इसकी इन्फॉर्मेशन अभिक्रिया है वो देखते हैं क्या है। हरे पादप ग्रीन प्लांट्स जो CO2 लेते हैं और जड़ों से जल के अणुओं का अवशोषण करते हैं, और पर्ण हरित की उपस्थिति में उपस्थिति में वो सूर्य का प्रकाश उपयोग करके उसका बनाते हैं ये ग्लूकोज C6H12O6, और 6 अणु बनाते हैं ऑक्सीजन के और 6 अणु छोड़ते हैं H2O के। अब यहाँ पर हरे पादप किस तरह से CO2 और H2O का निर्माण करते हैं और जल को तोड़कर ये किस तरह से उसका ग्लूकोज ऑक्सीजन और H2O बनाते हैं, ये हम देखेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया में। यहाँ पर जो हम देखते हैं ये पूरी प्रक्रिया, ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का पूरा भाग है, जबकि हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन में इतना ही देखेंगे कि जल कणु टूटकर और ATP बनके ये आगे कैसे यूज होते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक अभिक्रिया को यानी इसका दूसरा उपभाग देख रहे हैं, जिसमें हमें एक तो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के जरिए इन सभी बातों का हम पता लगेगा हमें। तो पर्ण हरित का सक्रियण ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। जल का अपघटन, NADH+ आयन का निर्माण और ATP का निर्माण, ये हम आज कर लेंगे। तो हम इस चीज को देख रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है ये इसमें प्राकृतिक अभिक्रिया में क्लियर हो गया हमारा। अब हम जल का अपघटन किस तरह से होता है, NADH का निर्माण कब होता है और ATP का निर्माण कैसे होता है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश अंतर फर्स्ट, और उसके बाद में प्रकाश अंतर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को एक साथ देखेंगे। तो एक बार ये मिटा नहीं रहे, साथ में चल रहे, चलो हम देखते हैं आगे किस तरह से ये होता है। तो वही चित्र बनाएंगे हम एक बार, ये है जो प्रकाश तंत्र PS फर्स्ट, और आप जानते हो इसमें पिगमेंट 700 होता है, और यह अपने इलेक्ट्रॉन देता है। सबसे पहले आप जानते हो किसे देता है, सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन ये देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को। इसमें आयरन का केंद्र होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इसके बाद में यह देता है फेरोडॉक्सिन को। मतलब ये इस तरह से चक्कर के रूप में चलती है प्रक्रिया। तो बाद में जब देता है दूसरे नंबर पर, वो देता है फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन के बाद ये देगा साइटोक्रोम B6 को, फिर ये देगा साइटोक्रोम B6 के बाद में आता है F, और अंत में देगा ये प्लास्टोसाइनिन को। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हमने पहले चर्चा की थी पिछली वीडियो में, कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फिर आयरन सल्फर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन देगा फेरोडॉक्सिन को, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके देगा साइटोक्रोम B6 को, यह देगा साइटोक्रोम F को, और फिर देगा प्लास्टोसाइनिन को। ये विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम यानी जो इलेक्ट्रॉन वाहक है इस तरह से दे दिए जाएंगे, और अंत में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे पुनः प्रकाश तंत्र में। इस दौरान यदि इलेक्ट्रॉन की जो है ज़्यादा पर्याप्त मात्रा हुई, तो यहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाएंगे ATP,
और इस प्रकार प्रकाश तंत्र फर्स्ट में एटीपी का निर्माण होता है और ये जो एटीपी बनने की अभिक्रिया है ये एटीपीएज एंजाइम यानी कि एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होगा। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से प्रकाश तंत्र फर्स्ट में एक चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण यानी कि एटीपी का बनना जो क्रिया है वो संपन्न हो रही है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। इसको चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो P700 पिगमेंट है वो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन को देने के बाद में चक्र रूप में विभिन्न साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन वाहकों से होते हुए पुनः अभिक्रिया केंद्र में पहुंच जाते हैं, इसलिए इसको चक्रीय व्यवस्था कहते हैं। और फॉस्फोरिलीकरण यानी एटीपी बनने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है, इसलिए इसको कहते हैं चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। इसके बाद जो प्रक्रिया आएगी वो अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में आएगी। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, लेकिन इन सब टॉपिक में से ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये हमारे अभी दो बच गए, इनको हम देखते हैं अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। तो देखते हैं हम आगे, इसमें हम दोनों तंत्र एक साथ बनाएंगे, वो कैसे काम करते हैं देखिए। यहां होगा P700 और यहां होगा P680। आप जानते हो कि पीएस फर्स्ट होता है उसमें मुख्य अभिक्रिया केंद्र पिगमेंट 700 है और जो प्रकाश तंत्र सेकंड होता है उसमें जो मुख्य पिगमेंट है वो P680 है। अब इनको दोनों की एक साथ स्कीम बना लेते हैं एक बार ताकि हमें बाद में समझने में आसानी हो, इस तरह से। और यहां पर तो इस तरह से हम जो अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण पढ़ रहे हैं थोड़ा लिख लेते हैं ताकि हम पता रहे कि अब हम क्या कर रहे हैं, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। अचक्रीय जो फॉस्फोरिलीकरण है इसमें देखो किस प्रकार होता है, इसमें पहले ये तंत्र काम करेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन के जो कैरियर हैं वो थोड़े अलग अलग हैं। जैसे इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही है फियोफाइटिन और फियोफाइटिन के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही है प्लास्टोक्विनोन और ये इसमें इस तरह से चलता है। इसके बाद में इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही है साइटोक्रोम B6 और इसके बाद में इसमें यहाँ पे आगे इलेक्ट्रॉन ग्राही है साइटोक्रोम F और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही है प्लास्टोसाइनिन। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है इसमें, यहाँ पर एक नई बात क्या होती है वो ये है कि यहाँ पर जो जल का अणु है वो टूटकर बन जाता है दो हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस दो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। ऑक्सीजन का आधा अणु यानी एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन और दो ये प्रोटॉन में टूट जाता है। यहां पर हमने देखा कि ये जल अपघटन होता है प्रकाश तंत्र सेकंड में, यानी जब अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण होगा जब पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेंगे तभी जल अपघटन होगा। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में जल अपघटन नहीं होगा, उसमें केवल चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा एटीपी का निर्माण ही होगा। यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और पीएस फर्स्ट को दे रहे हैं सेकंड के, तो यहाँ पर पहला वही हम करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन और जो फेरोडॉक्सिन है उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। यहाँ पर एक नया एक एंजाइम है, एक आता है एंजाइम NADP, इसका मतलब है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है ये बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके फेरोडॉक्सिन से, किस में बदल जाएगा NADPH
H+ आयन से। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि इस NADPO को यह हाइड्रोजन प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन कहाँ से उपलब्ध हुए, तो यहाँ पर जानने योग्य बात है कि जो यहाँ से ये जल टूटा, इसके ये हाइड्रोजन यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो जल कण टूटा, इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे NADP और NADP से NADPH+H का निर्माण करने में सहायक है, इसे अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जब पीएस फर्स्ट की क्रिया हुई थी तो सिर्फ ATPO का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब फर्स्ट और सेकंड दोनों अभिक्रियाएं हुई तो यहाँ पर जो सेकंड फोटोसिस्टम है, फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन के द्वारा ये P700 अभिक्रिया प्रकाश अंतर फर्स्ट के मुख्य अभिक्रिया केंद्र में पहुंचे और इन्होंने आयरन सल्फर को इलेक्ट्रॉन देके फेरोडॉक्सिन को ट्रांसफर किए और फेरोडॉक्सिन ने NADP से NADPH2 या NADPH+H+ आयन का निर्माण किया जो मिले उनके जल अपघटन से। तो यहाँ पर हम यदि देखें, एक बार यदि साथ लेकर इनको देखें, हमारे यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। हमारा पहले यहाँ पे प्रणहरित का सक्रियण था, वो पूरा हो गया, जल का अपघटन था हमारा हो गया, NADPH का निर्माण वो हो गया और हमारा ATP का निर्माण भी इसमें पूरा हो गया। अब आप कहोगे कि इसमें ATP का है, तो इसमें ATP बनती है यहाँ ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्टेड इंटू ATP। अब यहाँ पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में यदि हम अंतर देखें कि क्या अंतर है पीएस और फर्स्ट और सेकंड में, या कहने का मतलब आप यही कहेंगे कि चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में अचक्रीय, ये चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, ये हमने जो अभी बनाया है अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। तो देखिए, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में केवल ATP का निर्माण होगा, जबकि यहां आप देख सकते हो कि आप ATP का निर्माण होने के साथ साथ में NADPH+H+ आयन का निर्माण भी होगा। दूसरा ये कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में O2 नहीं बनेगी, जबकि अचक्रीय में हमें O2 भी मिलेगी। तीसरा अंतर ये है कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में जल अपघटन होगा और इसमें जल अपघटन की प्रक्रिया आप देख सकते हो रही है। और सबसे जो बड़ा अंतर है वो आपको सामने दिख रहा है कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में सिर्फ पीएस फर्स्ट ने ही भाग लिया था, परंतु अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में आप देख सकते हो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों ने भाग लिया है। अब ये जो सारी प्रक्रिया हमने समझी कि किस प्रकार ये जल के अणु को तोड़ रहा है और ATP निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए उत्तरदायी जो अभिक्रिया है, जो कोशिकांग है, वो क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के थैलोकोइड में ये लाइट रिएक्शन हो रही है और ये लाइट रिएक्शन होने के बाद में ये सारे के सारे यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हैं और वो NADH+H है, ये थैलोकोइड से निकलकर स्ट्रोमा में चले जाएंगे और वहाँ होगी डायरेक्ट रिएक्शन। जब होगी तो वहाँ पर ये जो हमारे H+ आयन हैं और ये इलेक्ट्रॉन हैं वे हमारे काम आएंगे और वहाँ पर नए उत्पाद बनेंगे जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिएक्शन, जो हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।